हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं संतोष, मेरे चैनल में आपका स्वागत है और आप सभी को फिर से सुप्रभात। और देखिए, 9 बजने को आया है और मैं अभी खाना वगैरह खा करके अभी ड्यूटी रांची के लिए निकलूँगा। सो मेरे वीडियो पर बने रहिएगा, अभी देखते हैं आगे का क्या सीन होता है। सो मैं दिखाने का कोशिश करूंगा। और ये देखिए दोस्तों, मैं अब नाश्ता वगैरह कर लिया हूं, अब मैं ड्यूटी के लिए निकल रहा हूं। 9:30 बज रहा है, 10:30 बजे तक मुझे रांची पहुंचना है। और ये देखिए, मेरी वाइफ खाना खा रही है और उधर भतीजी है। देखो दोस्तों, मैं फाइनली निकल रहा हूं। आजकल तो गर्मी का मौसम है, सो सबको घर में महुआ चुनने के लिए महुआ का पेड़ तरफ चले जाते हैं। सो पूरा घर सन्नाटा रहता है। मैं अब निकल रहा हूँ, देखिए मेरा गाड़ी इधर खड़ा है। अब निकलता हूँ मैं रांची, आपसे मिलता हूँ। ये देखिए दोस्तों, फाइनली मैं ड्यूटी आ गया हूँ और आ करके गाड़ी लेकर के अभी हम लोग रिम्स कैंपस की ओर आए हुए हैं। और ये झारखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सो हम लोग यहीं पर आए हुए हैं। और देखिए, मैं आपको इस कैंपस का कुछ व्यू दिखाता हूँ। सो देखिए, ये रिम्स कैंपस है और इधर पार्किंग एरिया तरफ मैं आया हुआ हूँ। और इधर आप देख सकते हैं, देखिए मैं यहाँ का बिल्डिंग्स वगैरह दिखा दे रहा हूँ। और यहाँ पे बहुत दूर दूर से पेशेंट लोग आते हैं यहाँ पे अपना इलाज कराने के लिए। ये रिम्स का पीछे साइड का बिल्डिंग्स सब है और इधर पे ही गाड़ियों का पार्किंग स्थल है, जो इधर ही डॉक्टर मरीज सब लोग इधर ही अपना गाड़ी को पार्क करते हैं। और ये झारखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। हम लोग का तो ऐसा नौबत नहीं आया है कि हम लोग रिम्स में अपना इलाज कराएं। भगवान के दुआ से हम लोग ठीक ठाक ही रहते हैं। थोड़ा मोड़ा जो तबीयत खराब रहता है, वो सब तो थोड़ा मोड़ा होता ही रहता है आम जिंदगी में। सो मैं यहाँ का रिम्स कैंपस का कुछ व्यू दिखा दिया आपको। देखिए दोस्तों, हम लोग फाइनली रिम्स कैंपस से निकल गए हैं और इधर रातो रोड एरिया में कुछ काम था, सो हम लोग इधर से होते हुए फिर फ्लैट जा रहे हैं। सो यहाँ का नज़ारा देख लीजिए आप लोग। यहाँ साइड साइड में फल वगैरह का दुकान है, आप देख सकते हैं। आइए मैं रियर के कैमरे से आपको यहाँ का नजारा दिखाता हूँ। देखिए, आगे आपको चला जाएगा कचहरी चौक और यहाँ पे साइड साइड में देखिए तो फल वगैरह का दुकान लगाए हुए हैं। और इधर लेफ्ट साइड में जितना भी आपको नजर आएगा, पूरा यहाँ से वहाँ आपको डाब का ही दुकान नज़र आएगा। सो आजकल गर्मी का मौसम है, सो आप लोग विदेशी छोड़ करके देसी सामानों का ज़्यादातर उपयोग करें। जैसे गर्मी के मौसम में विदेशी कंपनी थम्सअप, कोका कोला, पेप्सी, ये सब को छोड़ करके आप गर्मी के मौसम में नारियल का डाब पी सकते हैं और गन्ने का जूस पी सकते हैं। उसके बाद जो भी हमारे किसानों के द्वारा उगाया हुआ फसल आप लेकर के यूज कर सकते हैं। सो आप देसी बने, इससे किसी का रोजी रोटी चलता है। और ये देखिए दोस्तों, ये हरियम टावर में
मार्केट वगैरह देख सकते हैं। आपको यहाँ पे ज़्यादातर मोबाइल शॉप मिलेगा, उसके बाद कुछ कुछ इंस्टीट्यूट चलता है इस कॉम्प्लेक्स में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गनगौर मिठाई दुकान भी है। और ये देखिए दोस्तों, सरजना चौक में आप देख सकते हैं यहाँ पे राम मंदिर है। और यहाँ पे हम लोग अभी सिग्नल पे खड़े हुए हैं और इनका जुलूस देखिए आप, यहाँ पे पूरा रोड को जाम किए हुए हैं आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं फाइनली घर पहुँच गया हूँ और देखिए मेरी वाइफ खाना निकाल रही है, मैं खाना खा करके आराम करूँगा। और ये देखिए लगभग 10:15 बज गया है। और ये देखिए मैं अभी कहाँ पा रहा हूँ, दिन निकला है छोल का नहीं भरा हुआ है। और ये देखिए गाइज, मैं आज चिकन चिली है, वेज चिली और चौमिन लाया हूँ और घर में मैं माँ बाप को दे रहा हूँ, हम लोग भी टेस्ट करेंगे। सो कैसा लगता है देखते हैं। और आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। और देखिए मेरी वाइफ है, गुड नाइट बोलिए, नहीं बोलेंगे, देखिए हम गुड नाइट आपको। सो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और मेरे तरफ से झारखंडी जोहार है। देखिए इसको आलस लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, सो आराम करने के लिए छटपटा रही है। सभी को गुड नाइट, बाय।